नमस्ते गाइस, मैं आप सबका मैथ्स बाबा वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। प्लस टू टेंजेंट्स नॉर्मल्स डन, आई होप समझ आया। आज करने वाले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी कहानी है इसकी। इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, अब भैया मैं ऐसा फंक्शन बनाऊंगा, अब यहाँ पे ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, तो दिख रहा है एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन। एक्स टू क्या है, बड़ा एक्स वन से, एक्स टू ऑब्वियसली बड़ा होगा एक्स वन से, तो उसके ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये भी क्या होगी, बड़ी है उससे, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग, अब यही अगर ऐसा होता ऐसे आ, यार दिख रहा है अब यहाँ पे x2 की वैल्यू बड़ी है पर फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है ना, इज लेस देन एफ ऑफ एक्स, तो इसको क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब भैया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें पता कैसे लगेगा, बड़ी मोटी सिंपल सी कहानी है इसकी, सुनना यार, इसकी जो टेंजेंट होगी ये एंगल बनाएगी, ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट, तो एफ डैश एक्स, ये जो हमने बनाया ये एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये एक्यूट एंगल होगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डिक्रीजिंग में क्या होगा, यहां पे बनाओगे तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन क्या होती है उस फंक्शन की, जीरो से बड़ी, और डिक्रीजिंग के लिए क्या होती है, जीरो से, कभी भी, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है जी, कि भैया इंक्रीजिंग फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, हमेशा जीरो से बड़ी, डिक्रीजिंग फंक्शन की हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो से छोटी, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इतनी सी कहानी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, यार टाइप करवाने वाला हूं क्या है, जिसमें आपको इंटरवल्स पता लगेंगे, इंटरवल्स कैसे निकालते हैं कि कहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कहां पे डिक्रीजिंग होगा, तो जिसको इनइक्वालिटीज इन लीनियर इनइक्वेशंस थोड़ी सी भूली हुई है प्लीज एक बार उसको भी 11th के लेक्चर को अपना रिवाइज कर लेना कि कंसेप्ट क्या होता था, वरना यहां पे मोर और लेस समझ आ जाएगा, ठीक है, करें स्टार्ट। जय माता दी। कहानी समझ गए ना, कहानी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, बस अब सारा का सारा इधर देखना, मजा भी आने वाला। अब यहां क्वेश्चन आ गया मुझे, एफ ऑफ एक्स 2x³ - 9x² - +12x + 15, कहते हैं फाइंड इंटरवल्स where it is increasing, second decreasing, ठीक है। अब क्या करना, मैंने कहा यार चुप करके आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना, क्या आ गया 6x² - 18x + 12, इस पूरे खानदान में से देखो 6 कॉमन आ गया, x² - 3x + 2, 6 × x² - 2x - x + 2, ठीक है, 6x - 1 और x - 2, ये आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो 6 × x - 1 x - 2 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और 6 से तो क्या लेना देना है, बेसिकली तो ये दो आपके पॉइंट आ गए, फैक्टर आ गए x - 1 और x - 2, ठीक है, तो ये आपके क्या दे देंगे यहां से, इसको जब कंपेयर करोगे
ये आगे क्रिटिकल पॉइंट्स, याद है ये क्रिटिकल पॉइंट्स। ये कहते हैं भाई साहब जब आप ये नंबर लाइन बनाओगे यहां वन आएगा यहां टू आएगा, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। याद करो वेवी कर्व, याद कर लो वेवी कर्व, याद नहीं आता तो वैसे याद कर लो। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया। आप पुट भी करके देख सकते हो, अब एक्स टू से बड़ी वैल्यू डालोगे, यहां पे थ्री डाल दी तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपको ग्रेटर देन चाहिए, वन और टू के बीच की वैल्यू डालोगे ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू बनेगी। वन से छोटी वैल्यू डालोगे यहां पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ वेवी कर्व बनता था। तो इंक्रीजिंग कहां से कहां होगा, माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन टू से इंफिनिटी बस, और डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग आपके पास आई है कहां पे नेगेटिव हो रहा है, एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, तो भैया ये सिक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, बस क्या इंटरवल बनेगी आपकी वन से टू, तो वन से टू में ये फंक्शन क्या है, जहां पे नेगेटिव था ये लीनियर फैक्टर थे इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अगर ये कोई और फैक्टर होते तो भैया आंसर हम थोड़ा ध्यान से करते, बस इतनी सी गेम। क्लियर, डिफरेंशिएट फैक्टर्स, इंक्रीजिंग ग्रेटर देन जीरो फैक्टर्स को क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखा, मार्क किया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पता है वेवी कर्व किया हुआ है, कहानी खत्म। ठीक है करिए नोट, वो था सिंपल सा, ये आ गया फंक्शन। भैया अब क्या हो गया, कहते हैं इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख, डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, तो भैया देखो यू भी लग जाएगा यहां पे, यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ बी, प्लस वी इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू। अभी शर्मा जी प्लस वर्मा जी दोनों में देखो कॉमन क्या है, मेरे हिसाब से दोनों में थ्री कॉमन है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, शर्मा जी के पास एक्स प्लस वन बचेगा, प्लस वर्मा जी के पास क्या बचेगा, एक्स माइनस थ्री बचेगा। ये क्या बन गया 2x माइनस टू, टू भी कॉमन निकल गया यहां से, टू बार गया थ्री के पास सिक्स हो गया, ये आ गया। ठीक है ना, इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी जीरो से बड़ा, तो इसका मतलब क्या हो, सिक्स एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यही हुआ। अब देखो यार ये तो बेसिकली हमेशा ही पॉजिटिव है, ये भी हमेशा ही पॉजिटिव है, स्क्वायर स्क्वायर है तो इसमें तो पॉजिटिव ही रहना, बट पॉइंट्स तो आ गए। सो बेसिकली अगर आप पॉइंट्स बनाओ क्रिटिकल पॉइंट, वन आता है यहां से थ्री आता है और माइनस वन आता है, अब देखो एक मोटी बात समझा, वो मोटी बात क्या है कि सिर्फ ये बेसिकली हमारे लिए एक अलग चीज, वन से बड़ी वैल्यू डालोगे, वन से इस तरह की वैल्यू डालो कुछ भी डालो, यहां से आप अगर फोर डालते हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, टू डालते हो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा ये भी पॉजिटिव रहेगा,
बट थ्री डालने पे ये जीरो बन जाएगा बेसिकली, क्या बन जाएगा, थ्री डालने पे जीरो, इसलिए मैंने इसको लिखा। ये सारा एरिया पॉजिटिव है ये वाला, बट थ्री, क्योंकि थ्री पे क्या हो जाएगा, थ्री पे इट विल बिकम जीरो, हमें ग्रेटर देन से। ऐसे ही ये सारा एरिया नेगेटिव बनेगा। मेन पॉइंट सिर्फ एक है, ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर्स हैं तो मेन पॉइंट एक ही है। ये तो हमारे पास पॉइंट है जिसके ऊपर वैल्यू, सिर्फ उसके ऊपर वैल्यू नहीं निकालनी, बाकी सबके ऊपर आएगी। आप देख सकते हो डाल के, यहां से आप जीरो डाल के देख लो, जीरो डालोगे तो ये नेगेटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव रहेंगे तो ये एरिया नेगेटिव हो गया। माइनस टू डालोगे तो भी ये नेगेटिव रह जाएगा, ठीक है ना। माइनस वन डालोगे तो ये जीरो बन जाएगा। तो बेसिकली बस ये पॉइंट नहीं लेना, बाकी सब पे क्या है, नेगेटिव। तो भैया मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग इज 1, 2, 3 यूनियन 3 से, 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और इसको आप लिख सकते हो 1 से इंफिनिटी माइनस सेट कंटेनिंग, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी, ठीक। वैसे डिक्रीजिंग क्या बन गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन माइनस वन से वन, और माइनस इंफिनिटी से वन माइनस सेट कंटेनिंग, ठीक है। तो चाहे आप इन पॉइंट्स को देख लो, मतलब इसके ऊपर अब आपका रीजन नहीं डिवाइड हुआ पिछले वाले से, जैसे क्यों, वो लीनियर फैक्टर था, ये कौन सा फैक्टर है, स्क्वायर का फैक्टर। तो स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, बट यस सिर्फ इस वैल्यू पे, सिर्फ इस नंबर के ऊपर क्या है, हमारा आंसर नहीं आएगा, बिकॉज आवर आंसर हैज टू बी आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। करीब तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ये तीन नंबर का, चार नंबर का पेपर के अंदर, कि भैया इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता दो कि कब कब हो। जैसे ये क्वेश्चन आया, सेम वैसे ही क्वेश्चन, आपने इसको डिफरेंशिएट किया यूवी से, x माइनस वन का स्क्वायर और x माइनस टू बाहर आ गया, और यहां बचेगा टू टाइम्स x माइनस वन प्लस थ्री टाइम्स यहां बचेगा x माइनस टू, जीरो से बड़ा, दैट मीन्स ये पूरी टर्म शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब इसके आप पॉइंट बनाओगे, वन आता है, टू आता है, और एट बाय फाइव आता है। एट बाय फाइव का मतलब क्या हो गया, 1.6 हो गया, यहां पे कहीं आता है, ठीक है। अब बेसिकली ये हमारे लिए कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, काटा मार, इसको हम बाद में देखेंगे, ये दो पॉइंट। अब टू से बड़ी वैल्यू डालोगे, डाल के देख लो, टू से बड़ी थ्री डाल दोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, टू और एट बाय फाइव के बीच की वैल्यू डालोगे, डाल के देख सकते हो कुछ भी, ये 1.6 है, 1.7 डालोगे ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और यहां इस पूरे के ऊपर, यहां पे पूरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, 8 बाय 5 के ऊपर। सिर्फ वन बेसिकली क्या है, वन को ऐसे कर दो, चाहे आप वन के ऊपर पॉइंट लगा दो कि भैया ये इंक्लूडेड नहीं, इस पे सिर्फ हमने इसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो पॉजिटिव हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव चाहिए, तो क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, वन के ऊपर चेंज ओवर होता है, यूनियन वन से एट बाय फाइव यूनियन टू से इंफिनिटी, ये तीनों पॉजिटिव है बट वन इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए वन के ऊपर क्या आ गया, ब्रेकेट, और डिक्रीजिंग इसी से हमने लिख दिया
8 बाय 5 से इन्फिनिटी, दैट इज उसमें हमारा ये क्या है, नेगेटिव है, डिक्रीज है। फिर बात स्क्वायर है, तो स्क्वायर का वो जो वैल्यू है सिर्फ उसको इस पर्पस के लिए, ब्रेक डाउन के लिए यूज करना है, नथिंग एल्स। उसके ऊपर आपका प्लस माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं। करिए नोट, x क्या बनेगा इसका, 4x क्यूब माइनस 1 बाय 3 इंटू 3x स्क्वायर, क्या बन गया ये 12x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाय 3। ओ क्या कर रहा हूं मैं, देखो ब्रेड 3 नहीं काट, 4x क्यूब माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन लिखकर 4x माइनस 1 भी लिख सकता हूं इसको, ठीक है। एफ डैश एक्स आ गया, अब शक्ल गंदी सी थी पर ज्यादा आसान कितना हो गया। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर है, एक पॉइंट बना आपका जीरो, एक बना 1 बाय 4, ये तो जीरो, बट ये जीरो जो है इस पे सिर्फ फ्लिप मारना है। अब 1 बाय 4 के यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये पूरा क्या होगा नेगेटिव, तो इंक्रीजिंग कहां से कम होगा 1 बाय 4 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग कहां से कम आएगा माइनस इंफिनिटी से, ध्यान से जीरो, यूनियन जीरो ही आया फिर से 1/4, सिर्फ जीरो के ऊपर क्या होगा फ्लिप आउट होगा, व्हाई बिकॉज इट इज एक्स स्क्वायर नथिंग एल्स, ठीक है ना, स्क्वायर था इसलिए वो वाली वैल्यू के ऊपर फ्लिप मार गया, बाकी नो रीजन, आपके दो ही है, इसको तीन नहीं मानना, दो ही रीजन मानना, ठीक है। थोड़ा और गंदा सा क्वेश्चन करते हैं, अब log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x ओवर 2 प्लस एक्स है। अब बेटा देखो लॉग है, लॉग है, पहले डोमेन चेक करें, क्यों लॉग हमेशा किसका होता है, पॉजिटिव नंबर्स का होता है, राइट। तो भैया क्या बन गया आपके पास, 1 प्लस एक्स शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1, सो आपका जो डोमेन है फंक्शन का वो क्या हो गया माइनस 1 से इंफिनिटी, ठीक है, मतलब हमारी जो वैल्यूज होंगी वो सिर्फ यहीं पे होंगी, इसके अलावा वाली वैल्यूज नहीं होगी, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 से हमारा लेना देना ही नहीं है, ये फंक्शन के अंदर वैल्यूज ही यहां से आ सकती है। तो लॉग के अंदर क्या चेक किया हमने, पहले डोमेन चेक किया, अब इसको डिफरेंशिएट करो एफ डैश एक्स करो, तो ये बन गया लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाय समथिंग माइनस इसकी क्या होगी यू बाय वी, शायद कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसको भी आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आ गया, ठीक है।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर को इकट्ठा कर देते, लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या आ गया भैया, इसको क्या होना है, इसको ग्रेटर देन क्या होना है, जीरो होना है, क्या होना है, इंक्रीजिंग चाहिए ना, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डैश एक्स टू बी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एक्स अपॉन टू प्लस एक्स पूरे का स्क्वायर इंटू वन ओवर एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब यहां से क्या बात समझ आ रही है, ध्यान से देखो, बात समझना, बात ध्यान से। x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, x जीरो हो गया यहां पे, तो भैया ये पूरी टर्म जीरो हो गई। x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस टू, कुदरती माइनस टू तो है ही नहीं हमारे डोमेन के साइड रो, है ना, स्क्वायर है यहां पे, ये माइनस टू तो हो ही नहीं सकता था, तो चलो ये तो हमारी नल एंड वॉइड होगी कंडीशन, ठीक है, कैंसिल हो, x क्या नहीं हो सकता, जीरो। अब इसने तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना, वैसे अब सारी गेम किसके ऊपर है, इसके ऊपर। अब 1 अपॉन x प्लस 1 जीरो से बड़ा हो या x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से क्या मतलब बन गया, माइनस 1 के इस तरफ क्या है पॉजिटिव और यहां क्या है नेगेटिव, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, माइनस 1 से इंफिनिट, डिक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीजिंग है ही नहीं है फंक्शन, क्यों, क्योंकि डोमेन था माइनस वन से स्टार्ट होता, माइनस वन के इस तरफ ये फंक्शन हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, माइनस वन के उस तरफ हम जा ही नहीं सकते, हमारा डोमेन अलाउ ही नहीं करता, तो डिक्रीजिंग ये फंक्शन कभी भी नहीं होने वाला। ओ सॉरी 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 क्या कर दिया, सॉरी जीरो माइनस वन, भावनाओं में बहना नहीं है, ठीक है, माइनस वन के इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव, ठीक है, जीरो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, तो इंक्रीजिंग कहां से कहां होगा, माइनस वन से जीरो, यूनियन जीरो से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग क्या होगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है कभी, क्योंकि माइनस वन के उस तरफ हम जा ही नहीं सकते, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो लॉग का क्वेश्चन करवाया, लॉग का क्वेश्चन अच्छा है, क्यों, लॉग का क्वेश्चन कहता है कि भैया पहले क्या चेक करना है, डोमेन चेक करना है, तो डोमेन के अकॉर्डिंग, वरना आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग भी लिखाओगे माइनस इनफिनिटी से माइनस वन, भैया वहां वैल्यू ही नहीं है लॉग की, फंक्शन की, तो डिक्रीज हो ही नहीं सकता, क्लियर, करो ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो ही नहीं सकता वन बाय एक्स, हाँ डोमेन नहीं बने उसका, थ्री एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर हो जाएगी, अगर नहीं आती तो देख लो भैया, आप सीख लो ये चीज, ये नहीं मैं बता सकता कैसा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्या कर सकते हैं, x की पावर 6 माइनस 1 क्या कर सकते हैं, कैन आई राइट, अब
मैक्सिमम को तो ये भी नहीं आता होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यहाँ लगाई क्या बन गई a माइनस बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए आ गया ठीक है। ये हमारा f डैश x है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो मतलब यार अब देखो ध्यान से x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 है यार, ये तो हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। देखो उसने पहले बोल दिया x जीरो हो नहीं सकता है ना, x जीरो हो नहीं सकता तो टेंशन ही नहीं है कि ये कहीं पे नॉट डिफाइंड हो जाए। भैया नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू जो मर्जी डालो सारी इवन पावर है तो इसने हमेशा क्या रहना, पॉजिटिव ही रहना, इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। बचा के x स्क्वायर माइनस 1, इसके दो फैक्टर बनते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, तो अब खत्म होगी गेम, या माइनस 1 क्या या 1 क्या, अब दो बन रहे हैं प्रॉपर तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे अब कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं बज रहा कि इस वैल्यू को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो बस सिंपल सी कहानी, इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, माइनस 1 से 1, ठीक है, माइनस 1 से 1 माइनस सेट कंटेनिंग 0, क्यों, 0 पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो ये भी करना चाहिए। नंबर पर क्वेश्चन क्यों अच्छा था, बिकॉज जब ये क्वेश्चन करना बैठता है बच्चा, क्यों करवाया मैंने, यहाँ पे जब बच्चा आता है तो सोचता रहता है इसके बाद करना क्या, तो सारी गेम इस चीज की, बच्चा फिर इसको करने बैठ जाता है, बहुत बच्चे इसको तोड़ने बैठ जाते हैं, हाँ इस पे क्या होगा, इसके फैक्टर बनाने, यार ये तो है ही पॉजिटिव हमेशा, तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, टेंशन तो इसकी थी, इसके फैक्टर देखे क्या बने एंड देन वी व्हाट वी डिड वाज इसको आगे, ठीक है, करो नोट। थोड़ा ट्रिकनों के साथ भी खेल लेते हैं, ये क्वेश्चन है 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स, 0 से 2 पाई के बीच में एक्स, सारे पैसे तो उसकी डिफरेंशिएशन की है बस, v डिफरेंशिएशन ऑफ u, 4 sin x की क्यों आएगी, 4 cos x माइनस 2x की क्यों आएगी माइनस, अब सारे पैसे इसके हैं x cos x के, क्योंकि यहां पे फिर से u भी लग रहा है, तो माइनस x बाहर आ गया, cos x की डिफरेंशिएशन क्यों आएगी माइनस sin x, फिर माइनस cos x बाहर आया और x की डिफरेंशिएशन क्यों आएगी 1, यहां पे जो गलती होनी है बस वही एक साइन की गलती होनी है और कुछ भी नहीं, उसके बाद माइनस पूरा का पूरा u, इंटू v, 2 प्लस cos x की डिफरेंशिएशन 0 माइनस अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो समझे ये सबसे इंपॉर्टेंट था, x cos x की डिफरेंशिएशन u अपॉन v किया, उसके अंदर फिर से दोबारा से क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, अब ये पूरे सांड के बच्चे को हमने मल्टीप्लाई करना हो बेटे, लुट गए यार, चलो दो मिनट करते हैं, 2 प्लस cos x ये आपका 3 cos x बन गया शायद, माइनस 2 प्लस x sin x, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये sin x इंटू 4 sin x माइनस 2x माइनस x,
सिक्स कॉस एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स साइन एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स थक गया भाई, प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ठीक है। और कुछ बना अपने पास, सिक्स कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स कितना हो गया बेटा, फोर कॉस एक्स हो गया, माइनस फोर थ्री कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन स्क्वायर है ना, अगर हम गलत नहीं है तो। अब भैया यहां से भी आप क्या कर सकते हो, अगर इसकी जगह डाल दूं 4 cos x माइनस फोर प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा 4 माइनस फोर कॉस स्क्वायर एक्स है ना, एक ही उसमें हो गया तो ये और ये भी कैंसिल, तो ये रह जाएगा 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर। तो ठीक है, समझ आया इसको क्या लिखा है, 4 इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सबको कॉस में कर दिया, साइन मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा यार। तो आपके पास एफ डैश एक्स बन गया कुछ ऐसा बच्चे, कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा चाहिए, तो मतलब cos x 4 माइनस cos x ओवर 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहां जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो लिख सकते हैं, क्या cos कहां से कहां डांस करता है, सिर्फ माइनस 1 से 1 के बीच में डांस करता है cos, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो जीरो भी नहीं बन सकते कभी, हाँ ना, 4 माइनस कॉस एक्स कभी जीरो बनेगा क्यों, माइनस वन या वन यही वैल्यू हो सकती है ना, तो बनेगा नहीं, ये भी नहीं कभी बनेगा, इनकी कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ किसकी टेंशन रहेगी, कॉस एक्स की। सो दैट मीन्स कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए। अब कॉस एक्स जीरो से बड़ा कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दैट मीन्स क्या आ गया, जीरो से पाई बाई टू यूनियन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, यस और नो, 0 से पाई बाय 2 यूनियन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ये आपके क्या आ गए, इंक्रीजिंग, ऐसे डिक्रीजिंग लिख देंगे क्या, पाई बाय 2 से आपके पास कहां तक आ जाएगा, 3 पाई बाय 2। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमें इंटरवल फाइंड करनी थी, हमने उसकी इंटरवल, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्यों इतनी ज्यादा वो करनी थी हमें डिफरेंशिएशन, एक गलती की यहां पे गेम ही सारी की सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, करिए इसको नोट, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे इसके, आई होप समझ आई बात। ठीक है, एंजॉय गाइस, बाय बाय।